ज़ाहिर कर लिया है, शुक्र गुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, लेकिन ये जो आपने वक्त निकाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे सब के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद और मुफीद साबित होगा, क्योंकि कामरान साहब एक इंतहाई तजर्बाकार मोटिवेशनल स्पीकर हैं और माशाल्लाह इनकी दो किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं और ये हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं हमारे मैगजीन के लिए भी और हमारे न्यूज़लेटर में भी। उसके अलावा उन्होंने यूट्यूब के लिए हमें अपनी अपना वीडियो लेक्चर भी दिया था, जो कि वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप प्रेसिडेंट साहब की इजाजत हो तो हम इसको ऑफिशियली स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, इसको ऑफिशियली स्टार्ट करें क्योंकि 3:30 का हमने टाइम दिया हुआ था लोगों को, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन। जी बिल्कुल ठीक है, तो अल्लाह ताला के नाम से हम आगाज करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि IPA पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन, हम अपने एलुमनाई और स्टूडेंट्स की अपग्रेड जो उनका नॉलेज बेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए लेक्चर सीरीज करवाती रहती है। इस सिलसिले में अभी पिछले महीने भी हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने असद साहब से, यासर साहब से, यासर रशीद साहब से एक लेक्चर दिलवाया था और उसका टॉपिक था हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब आज का टॉपिक जो है वो एक सीरीज है हमारी शेयरिंग द एक्सपर्टीज, और दूसरी सीरीज है हमारी उसका नाम है ब्रिजिंग द गैप्स। आज का टॉपिक शेयरिंग द एक्सपर्टीज के सिलसिले में है और कामरान साहब जो कि हमारे प्राउड एलुमनस हैं, उनके उनके जरिए आपको ये मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। और कामरान साहब माशाल्लाह खुद भी, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था, एक बहुत ही तजर्बाकार और अपनी फील्ड के माहर हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, और मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी इन्होंने, इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है ये मोटिवेशनल स्पीकिंग में। आज वो जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इफ आई हैव टू लिव अगेन। इफ आई हैव टू लिव अगेन और कामरान साहब अभी आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे और आप लोगों के जो सवाल होंगे उसके लिए हम आपको ये 45-50 मिनट्स का जो लेक्चर होगा उसके बाद मौका देंगे। आप अपने क्वेश्चंस को आप अपने टेक्स्ट कर दीजिएगा हमें, और उसमें से जो होंगे, जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकें उसी तरतीब से, जिस तरतीब से वो आ रहे होंगे, हम कामरान साहब की गोश गुजार कर देंगे और उनके जवाब भी ले लेंगे। तो अब मैं दावा दूंगा कामरान साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरी आवाज़ अब तक सब लोगों तक क्लियरली पहुंच रही होगी। मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। आप लोगों ने जो अपने वक्त में से कीमती वक्त दिया है, एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ, मेरे जो भी सेशंस होते हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ये कोई लेक्चर की शक्ल ना बने, बल्कि जो कुछ हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल हुआ है जो उसको शेयर कर दिया जाए अमानतन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ख़ुद अप्लाई करते हुए देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मेरा तकरीबन 25 ममालिक में मुझे ट्रैवल करने का, कोचिंग करने का, लीडरशिप ट्रेनिंग के करने का एक्सपीरियंस हुआ, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसमें मैंने हज़ारहा लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैं हमेशा एक कंसिस्टेंट, क्या कहना चाहिए, लर्नर के तौर पर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और उस मौके पर मुझे बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखने का मौका मिला और यही चीज़ मेरी बुक्स की शक्ल में आई। तो आज की इंशाल्लाह नशिस्त में कोशिश करते हैं कि जो उसका कुछ जिस्ट है, जिसको अगर हम अप्लाई कर लें, या आज की एक चीज़ में अगर आपको कोई फ्रैक्शन में भी कोई चीज़ ऐसी लगे जिसको आप महसूस करें कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सो मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि आप उसको कोशिश कीजिएगा कल से नहीं बल्कि आज ही से, और शायद यही हमारा टेक अवे होगा जो इस सेशन का होगा इंशाल्लाह। दुआ से स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके पीछे एक सर्टन हिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इफ़ आई हैव टू लिव अगेन,
मैं कुछ शेर मेरे जहन में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले हाईलाइट कर दूँ उसे इस मौजू के साथ और इस मकसदियत के साथ भी आपको मेरा एक ताल्लुक महसूस हो जाएगा। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जनू यही ख्वाब मेरा है, यही जनू यही ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मकसदियत मुझे मिली जब मैंने लोगों से एक सवाल करना शुरू कर दिया अपने सेशंस में। मैं उनसे कहता था कि अगर आप लोगों को दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या आप इस ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती थी कि तकरीबन 70-80-90% लोग हाथ खड़ा करते थे। और आज भी अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करके ये इस बात की तायीद करते हैं कि अगर उनको दोबारा मौका मिले ज़िंदगी का तो वो इससे बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जो हमारा डायलेमा है, जो हमारा चैलेंज है, वो ये है कि खालिक कायनात ने सिर्फ मौका हमें एक अता किया है और इंसान के लिए हर मौके में अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करने का एक राज छुपा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें अगर वो इस हकीकत से नासाई हो जाती है कि एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ, हर दिन एक चांस है मेरे पास, एंड दैट इज़ द वे वेयर आई कैन रीबॉर्न, वेयर आई कैन डू समथिंग। मुझे 2010 की एक बात याद आ गई, मैं आपसे शेयर करूँगा। चूँकि मेरा ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा रहता था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एयर ट्रैवल मेरा किया, मुझे आज तक एक फ़्लाइट नहीं भूलती। और वो फ़्लाइट थी जो कि मुझे इतफाक़न मैं पाकिस्तान गया हुआ था और एक क्लाइंट है हमारे मुल्तान में, तो मुझे लाहौर से मुझे वो फ़्लाइट लेकर मुल्तान पहुँचना था। ये 2010 की बात है, मई का महीना होगा या जून का महीना होगा, और उस वक्त में ये फोकर फ़्लाइटें चलती थी। एंड आई वॉज़ इन दैट फोकर फ़्लाइट। मुझे याद है कि जिस वक्त वो फोकर फ़्लाइट क्या थी, वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा नाकाबले फरामोश वाक़िया था। बिकॉज व्हेन वी एंटर्ड इनटू द एयर स्पेस, और जैसे ही हम मुल्तान के करीब पहुँचे तो द होल, वो क्या कहना चाहिए, एक एपिसोड शुरू हो गया कि जिसके अंदर इतना ज़्यादा एक अनसर्टनिटी थी, इतनी ज़बरदस्त टर्बुलेंस थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अलॉन्ग विद द अदर जो मेरे बाकी मुसाफिर दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। लिटरली आई फील लाइक दिस इज़ गोइंग नॉट गोइंग टू मेक इट हैपन, दिस इज़ गोइंग टू बी फिनिश, वी आर गोइंग टू फिनिश समवेयर। हम कहीं ना कहीं पे जो है, अब दिस इज़ जस्ट सम ऑफ द मोमेंट। जब आपको कभी कभी इदराक हुआ हो, कभी ऐसे वाक़यात खुदा ना खासा कभी ज़िंदगी में आए जब आपको लगे कि यार ये ज़िंदगी, दिस इज़ जस्ट बीन गोइंग टू बी ओवर नाउ, मैं उन लम्हात की शिद्दत नहीं भूल सकता। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ, वो शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी थी, हम किसी तौर पे लैंड कर गए। और एग्जैक्टली अगर आप देखें 2010 में जुलाई में एक फोकर की मुल्तान के करीब गिरा था, एंड दैट वॉज अनफॉर्चुनेटली द सेम फोकर। आई डोंट नो वट वॉज़ द रीज़न बिहाइंड, बट दैट वॉज द चैप्टर जब उसके बाद ओवर हुआ। खैर, अब इस वाक़े की तरफ आते हैं। मैंने ये देखा, मुझे आज तक जो याद है कि वेन आई वॉज बीन गोइंग थ्रू दोज मोमेंट्स, वो कौन सी चीज़ें सी, वट वॉज बीन हैपनिंग विद मी एट दैट टाइम। नंबर वन, ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स आई फेल्ट माई सेल्फ वेरी मच लोनली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई एम बीन ऑल अलोन, और मुझे ऐसा लगा कि जो ज़िंदगी की मेरी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी वो एकदम शफल अप हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहा था ज़िंदगी में, जिसके बारे में मैं इतना कॉन्शियस नहीं था। इट सडनली टुक नंबर वन पोजिशन फॉर माई सेल्फ, और मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, द वक्त की जो कदर है, जिस वक्त को हम बहुत ज़्यादा अंदाज में गुजार देते हैं, उस वक्त वो पूरा वक्त मेरे सामने, उसकी अहमियत आ गई कि काश अगर मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाए, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग। फिर मुझे एक और चीज़ हुई, इट सडनली इट हैपन, इट वॉज ऑल हैपनिंग इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, कि मेरी आंखों के सामने एक पूरी मेरी फिल्म चलनी शुरू हो गई है। इट वॉज ऑल द वे आई वॉज लिविंग माई लाइफ, मैं क्या ज़िंदगी गुजार रहा था, किस अंदाज में गुजार रहा था, क्या मेरे अच्छे काम थे, क्या मेरे बुरे काम थे, इट वॉज जस्ट बीन हैपनिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉज बीन रिमेंबरिंग एट दैट टाइम इज ऑल माई नियर एंड डियर रिलेशंस एट दैट मोमेंट। ये मैं आपको उस एक छोटे से एपिसोड में, ये एक रिफ्लेक्शन हुई,
उस लम्हे में जब मुझे ये महसूस हो रहा था कि यार दीज आर माइट बी द लास्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मैंने एक अहद किया, मैंने अहद किया अल्लाह सुबहान तआला से कि इफ़ यू विल गिव मी अनदर चांस, इफ़ आई हैव योर मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी थी व्हेन वी लैंडेड। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट 10 सालों में मैं समझता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में पैदा हुई, वो था कि हम सब के पास चूँकि वक्त बहुत कम है, अर्जेंसी ऑफ डूइंग द थिंग, वी मस्ट हैव टू क्रिएट एन अर्जेंसी विद इन आर सेल्फ। अगर हमारे कोई प्लान्स हैं, कोई एम्बिशंस हैं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी से, कुछ हमें वी हैव टू डू थिंकिंग समथिंग, वी शुड नॉट पोस्टपोन, वी मस्ट पुट इट ऑन सर्टन अर्जेंसी मोड। इस चीज़ ने मैं जो है मेरे अंदर जिसे मैं रीबॉर्न कहूँगा, रीबॉर्न एक्सपीरियंस में, सो आई क्रिएटेड ऑन टू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ का ये शिफ्ट आया। दूसरी चीज़ का शिफ्ट ये आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ में आई पुट माई रिलेशंस एंड माई फैमिली ऑन नंबर वन, आई पुट माई प्रोफेशन ऑन नंबर टू। और उसकी मैं आपको रीज़न एक और भी वाक़े से बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई फील लाइक कि जो सेंस ऑफ मेरा एक शुरू में रहता था वो एक बड़ा सेल्फ सेंटर्ड था मैं, लेकिन इस ट्रांजिशन ने मेरे अंदर एक वाक़या ये पैदा कर दिया कि वट्स एवर द मोमेंट्स अवेलेबल विद मी इन माई लाइफ आई मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, आई मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, आई मस्ट गिव। तो ये तीन चीज़ों का जो शिफ्ट आया उसने मेरे इस लास्ट डेकेड को अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि इट हैपन टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव डेकेड ऑफ माई लाइफ, मोस्ट प्रोडक्टिव। इसके अंदर मैं तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँची, इसमें मेरी बुक्स पब्लिश हुई, इसमें 7 साल से मेरे यहाँ के जो लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है उसके कॉलम मेरे नाम से पब्लिश हो रहा है, मेरे बेतहाशा वीडियोस, मेरी बेतहाशा कोचिंग। किस नुक्ते पर? आई मस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट, अपनी जात से हटकर मुझे देना है। नंबर टू, हमारे पास टाइम लिमिटेड कमोडिटी है एंड आई मस्ट हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। एंड नंबर थ्री, रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। देखिए मैं आपको क्यों इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ, आज अगर आपको मौका मिले तो आप वीडियोस देखिए, वो देखिएगा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सितंबर 11 का जब वाकया हो रहा था, तो जो कि प्लेन्स थे वो काफ़ी लो हाइट पे फ्लाइट ले रहे थे, उस वक्त कुछ लोगों ने डेस्परेट कॉल्स की थी अपनी फैमिलीज़ को, और ये तमाम के तमाम कॉल्स रिकॉर्डेड हैं, ये मौजूद हैं नेट के ऊपर, आप ज़रा सुनिएगा उन कॉल्स को, आपको ज़िंदगी की हकीकत उसके अंदर नज़र आ जाएगी। And these were the people who had been in the flight, and the recorded messages जो उन्होंने record किए, उनके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो उन्होंने highlight की वो यही कही कि I wish I could have time so that I would like to tell you that I love you, and that is the message which they are leaving for their spouse, for their family, for their kids. तो मेरा कहने का मकसद ये है, if I have to live again, अगर आज मैं अपनी ज़िंदगी को कहूँ कि ये मेरा दिस इज़ अ रीबर्थ फॉर माई सेल्फ, और बहुत जैसे हम कहें कि चलें इस बात को ले लेते हैं कि 2021 जो हमारे लिए एक नया साल बनने वाला है, आज मैं आपके साथ कुछ लर्निंग शेयर करने लगा हूँ, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जिसको हम देखने के बाद कुछ फिलॉसफीज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, मेरा ये दावा तो नहीं रहेगा लेकिन ये मेरा गुमान ज़रूर रहेगा कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ को अगर हमने अप्लाई कर लिया तो 2021 happened to be our new life. It's like that we got our reborn again. तो सबसे पहले आते हैं अभी रिसेंट ये जो कोविड का एपिसोड हुआ है, आपको एक चीज़ इस कोविड के एक्सपीरियंस में हासिल हुई होगी कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या हुआ इस कोविड में। मेरी ऑब्जर्वेशन में ये आया कि कोविड के ये जो पूरा साल एक प्रोसेस रहा है, इस कोविड के टेस्ट ने हमारा ट्रू सेल्फ हमें जाहिर कर दिया है। Whatsoever the true self within myself, वो मेरे आंखों के सामने एक्सपोज कर दिया। इसकी मिसाल क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जो लोग कोविड से पहले पॉजिटिव थे, कोविड के एपिसोड के बाद या एपिसोड के दौरान में वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। मैंने ऑब्जर्व किया जो लोग पहले से नेगेटिव थे, कोविड के एक्सपीरियंस ने उनको और ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। मैंने देखा कोविड से पहले जो लोग शुक्रगुजारी के रवैये के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोविड के एक्सपीरियंस ने उनको और ज़्यादा शुक्रगुजार कर दिया। मैंने ऑब्ज़र्व किया जिन लोगों ने, जिनकी ज़बान पे हम अमूमन कंप्लेंट ब्लेम रहता था,
कोविड के एक्सपीरियंस ने उनको ज़्यादा कंप्लेन करने वाला, ज़्यादा ब्लेम करने वाला बना दिया। जैसे इसकी मिसाल आप ये समझें कि अगर मैं ये कहूँ कि आप एक ऑरेंज जूस लें या ऑरेंज लें, आप उसको स्क्वीज़ करें, इसी तरह आप जो है वो अगर एप्पल लें, एप्पल को स्क्वीज़ करें, तो आपको एक ऑरेंज जूस, ऑरेंज में से ऑरेंज जूस मिलेगा, एप्पल में से एप्पल जूस मिलेगा। इसी तरह जो हमारा